हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी के मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। लेकिन आज हो चुका है स्कैम। जी हाँ गाइस, स्कैम। हमारे एक किसी यूजर को मेरे नाम से एक फेक प्रोफाइल और आईडी बनाकर उसके साथ कम्युनिकेशन किया गया और उसके साथ एडसेंस का एक्सचेंज को लेकर के मोर देन 8000 रुपीज का एक्सचेंज किया। सो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके का स्कैम हो रहा है। तो मेक श्योर करें आप जब भी किसी बंदे के साथ डील करें उसकी ओरिजिनल प्रोफाइल और आईडी को डेफिनेटली वैलिडेट करें। मैं आपसे किसी तरीके का कोई पैसे की डिमांड नहीं करता हूं, ना ही कभी आपसे अकाउंट एक्सचेंज करता हूं, ना ही कोई पेटीएम, ना ही कोई गूगल पे। कभी भी किसी तरीके से मेरी साइड से आपसे कभी भी पैसों की डिमांड नहीं की जाएगी। तो अभी तक आपके कम्युनिकेशन में ऐसा कोई है तो मेक श्योर आप उससे बच के रहें। चलिए देखते हैं यहां पे हुआ क्या है। सबसे पहले चीज गाइस, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरी जो ऑफिशियल फेसबुक आईडी है दैट इज स्टार्ट विद द kirtish.vyas.7 और एक बंदा है विद द नेम ऑफ सचिन जिन्होंने मुझे रिपोर्ट किया। और बेसिकली उन्होंने रिपोर्ट ऐसा नहीं किया कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, रिपोर्ट ये किया कि आपने मेरे से पैसे ले लिए और मुझे मेरी चीज जो भी थी, मेरी साइट खो गई, मेरा एडसेंस अकाउंट खो गया, काइंड ऑफ दैट। ये पूरा समरी है। अगर इस समरी आपको जानना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर लिटिल बिट इन्फो उसका दिया है कि क्या हुआ। यहां पे कुछ इमेजेस ऐड करके आप उसको देख सकते हैं। अब इनके साथ ये हुआ और फिर इन्होंने बोला कि भाई मेरे साथ स्कैम कर दिया, ये कर दिया, आई डोंट ट्रस्ट हो, ये वो। फिर मैंने उसको पूछा भाई किससे कम्युनिकेट किया, आई हैवंट डन एनी कम्युनिकेशन विथ यू। तो उन्होंने फिर जब मैंने उसकी आईडी चेक की तो गाइज वो थी कीर्तिश व्यास के नाम से किसी ने फेक प्रोफाइल बनाया, उसमें ये प्रोफाइल पिक्चर ऐड किया, उसमें एक कवर फोटो ऐड किया और प्रोफाइल को पूरी तरीके से लॉक रखा ताकि कोई उसका कंटेंट ना देख सके। और गाइस उस आईडी को मैंने अभी रिपोर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली वो अभी मैं सर्च करूंगा मुझे नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर आप कीर्तिश व्यास के नाम से सर्च करेंगे डेफिनेटली आपको दिखाई देगा और उसको रिपोर्ट डेफिनेटली कीजिएगा। अभी उस बंदे ने इस चीज को वेरीफाई नहीं किया, उसके साथ एक्सचेंज कर लिया एंड ही लॉस्ट हिज 8000 रुपीज। और इसके बाद में बंदा अभी क्राई कर रहा है, जो भी कर रहा है, जगह जगह पोस्ट कर रहा है कीर्तिश व्यास ने स्कैम किया। मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें एड्रेस नहीं करता हूं, बट बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई ऐसा किसी ने किया है, ये क्या सही है? तो मैंने सोचा कि इसको एड्रेस करना जरूरी है। सो गाइस, मेक श्योर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करें, माय प्रोफाइल इज kirtish.vyas.7। मैं कुछ भी सेल नहीं करता हूं, मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूं। एक नोट डाउन कीजिए, मैं कुछ भी सेल नहीं करता हूं, आई जस्ट रिकमेंड एनीथिंग। तो मैं आपके साथ कभी भी कोई डायरेक्ट बाय सेल और मेरा कोई सेलिंग प्रोफाइल ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बेचता हूं। ओके, यहां पर अगर आपको मेरे बारे में जानना गाइस, यहां पे kirtishvyas.com के नाम से मेरी प्रोफाइल पे आईडी है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, ये मैंने एक टेम्पररी पेज बना के रखा है जहां पर आप मेरा यूट्यूब का चैनल, मेरा इंग्लिश यूट्यूब का चैनल, मेरा ब्लॉग और मेरे जितने भी सोशल कनेक्टिविटी, अब मेरे इंग्लिश चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आप वहां पे कवर फोटो में जाएंगे तो मेरे सारे प्रोफाइल है यहां पे, आप यहां पे आके कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक है, मेरा इंस्टाग्राम है, यहां पे टेलीग्राम चैनल है। तो दीज आर माय ऑथेंटिक सोर्सेस, ना कि कोई आपसे कुछ भी आईडी बना के कर रहा है। तो एवरी सिंगल कैरेक्टर आपको वेरीफाई करना है, ये नहीं कि प्रोफाइल पिक्चर दिया और डील चालू कर दी, आई डोंट डू एनी डील। बट जो लोग आपसे स्कैम करते हैं वो क्या करते हैं, इसी प्रोफाइल को ट्विस्ट करते हैं, KIR के बजाय कभी KIATI सर्च कर देते हैं, आप पूरा रीड नहीं करते हैं, यू आर गॉन, यू विल लॉस्ट योर मनी। बहुत सारे ऐसा मार्केट में बने हुआ है, जब भी किसी का कोई ब्रांड बनता है या फिर जब भी किसी का नाम होता है किसी पर्टिकुलर चीज में तो उसकी एक कॉपी बना देते हैं ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है उसके बेसिस पर उनको ठगा जाए। तो इट्स अ वे, तो मेक श्योर आप उसके साथ सिक्योर रहे। तो ये है मेरी पहली आईडी। और भी कुछ भी फ्यूचर में कम्युनिकेशन होगा bloginghost.com पे आके देख सकते हैं, यहां पे जो लिंक्स होती है दैट्स व्हाट माय ऑथेंटिक सोर्सेज, आप यहां पे जाके देख सकते हैं, आप यहां पे जाके देख सकते हैं, आप डील के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और मैं जहां तक ट्राई करता हूं, एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू गिव यू टोटली 100% फ्री। यूडेमी पे कोर्स होता है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू फॉर फ्री, जैसे कि अगर आप देखेंगे वेलकम ऑफर में जाएंगे तो ये भी मैं नहीं सेल करता। अगर कोई आपको कॉन्टेक्ट कर रहा है कि भाई मैं मिस्टर व्यास का एक कोर्स सेल कर दूंगा, आपको फ्री में दे दूंगा, I'm not selling anything. तो make sure guys आप इन सारे sources से बच के रहें। दूसरी important चीज guys, अगर आप देखते हैं तो मेरे दूसरे कौन से official sources है, तो आपको वैसे तो वहां पे मिल जाएंगे, otherwise इस video के link सारे description में दे दूंगा मैं। ये देख सकते हैं MR व्यास के नाम से एक Facebook के page है जिसमें 1800 से ज्यादा member है। तो basically guys ये मेरा official source है, या तो MR व्यास दिखेगा या फिर कीर्तिश व्यास दिखेगा, इसके अलावा आपको कोई भी तीसरा टेक्स्ट वहां पे दिखाई नहीं देगा। फेसबुक का ग्रुप है जैसा कि गाइस यहां पे अभी 10,000 से भी ज्यादा लोग हैं और यहां पर इसका ग्रुप का नाम भी फिर से MR व्यास है। तो ये मेरे ऑफिशियल सोर्सेज है। और जैसा उस बंदे ने वो डाला, मैंने गाइस यहां पे अनाउंसमेंट में भी अभी पोस्ट किया है कि बी अवेयर विद ऑल द स्कैम्स एंड एवरीथिंग, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने पूरा पोस्ट डाला है इसको लेकर के, भाई बच के रहो क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पूरा मैंने डिटेल डाला है, मेरा आईडी क्या है, बट इतना टाइम नहीं होता गाइस एवरी सिंगल चीज को एड्रेस करने के लिए, आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं सब लेके बैठा रहो और यही करता रहूंगा। तो मेक श्योर गाइस इन सभी के साथ में स्कैम से बचे। ये मेरी है इंस्टाग्राम आईडी कीर्तिश व्यास के नाम से, तो आपको यही फॉन्ट दिखेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी स्कैम हुआ कि कीर्तिश व्यास में पीछे एक एस ऐड कर दिया, मेरे 10-15 पिक्चर्स अपलोड कर दिए, लोगों को लगा सही प्रोफाइल है
और चढ़ गए वहां पे और खत्म। तो ऐसा वेरीफाई करो व्हेन यू आर डूइंग एनी कम्युनिकेशन विद नॉट मी विद एनी इंडिविजुअल, तो उसका प्रोफाइल वेरीफाई करो, अदरवाइज लीव इट, बहुत सारा स्कैम होता है। टेलीग्राम चैनल गाइस देख सकते हैं यहां पे, इसका भी अगर आप आईडी आप जाके देखेंगे एमआर व्यास के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर करीब 5000 से ज्यादा लोग है, टेलीग्राम चैनल में 4000 से ज्यादा लोग है, यहां पर आप फिर से देखेंगे एमआर व्यास ब्लॉग के नाम से। तो ये ग्रुप और ये सारी चीजें हैं, और जो हमारा चैनल होता है गाइस टेलीग्राम चैनल में मैक्सिमम पोस्ट करता हूं और वहां से ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो आपको कभी भी मैं डायरेक्टली लिंक यहां पे पोस्ट करता हुआ नहीं दिखूंगा और कोई भी ऐसी लिंक नहीं रहेगी जहां पे मैं कुछ बेच रहा हूं, नथिंग, ऑल आर मोर ऑफ अ रिकमेंडेशन कि आपको ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, आपको होस्टिंग चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, आपको ये कीवर्ड चाहिए, इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। तो आपको ये वीडियो, तो मैं यहां पे वीडियो है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट है जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में यूज करता हूं, ये सारा मेरा ऑफिशियल चैनल है। इसके साथ गाइस हमारे कुछ एडमिन्स है जिनके पीछे आपको बैज दिख जाएगा, जैसे कल्पेश के नाम से है, राहुल के नाम से, जिगर के नाम से, हेमन के नाम से, इवन दे आर देयर टू हेल्प यू। वो कभी आपसे पैसों की डिमांड नहीं करेंगे, वो ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेंगे, उसमें वो टूल सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस टूल के साथ जा सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको कभी ये नहीं बोलेंगे 10,000 मुझे दो, मैं मिस्टर व्यास से एडसेंस का अकाउंट लेके दूंगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिपोर्ट इट बैक टू मी, देयर इज नथिंग एज सच अवेलेबल। ओके, ऐसा कोई भी ऐसा बाय सेल नहीं होगा यहाँ पे। इसीलिए गाइस हमने यहाँ पे एक लिंक का एक बॉट सेट कर रखा है, जब भी कोई लिंक पोस्ट करता है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं मेरे नाम से आईडी बनाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं गाइस इस यहाँ पर ही मेरे नाम से एक यूजर ऐड हो जाता है और वो पर्टिकुलर यूजर होता है उसका जो आईडी रहता है, अगर मैं प्रोफाइल में जाऊँ जैसे मेरा आईडी है यहाँ पे कीर्ति श्वास के नाम से, तो वो ऐड करता है कीर्ति श्वास एस। पहले कैसा करते थे, मैंने ऐसा भी देखा लोग कीर्ति श्वास में पीछे एबीसीडी में थोड़ा मिसमैच करते हैं, मेरा प्रोफाइल ऐड करते हैं पीपल आर स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। तो जब भी मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा उसके पीछे बैज रहेगा एडमिन का। तो ये मेक श्योर करें गाइस कि आप इन सारी चीजों को वैलिडेट करें, इसी के बाद कम्युनिकेशन करें, अदरवाइज चांसेस ऑफ हैविंग स्कैम विथ यू डिजिटल मार्केटिंग में वो बहुत ईजी चीज है। तो इन सारी चीजों से बच कर, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉट लगा रखा है, ये एडमिन की तरह काम करता है, जब भी कोई लिंक डालेगा वो वहां से डिलीट कर देगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे सेकेंडरी एडमिन दिखाई देंगे, प्राइमरी एडमिन दिखाई देंगे, तो इन सारी चीजों से बच के रहे, दैट विल गिव यू समथिंग जिसके हेल्प से आप बचा सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। अभी जिसके साथ स्कैम हो गया दे आर डन, उसका कुछ नहीं हो सकता है, आप इसको रिपोर्ट कीजिए आपको जो प्रोफाइल दिखता है। और आई होप गाइज की ये वीडियो आपके लिए लिटिल बिट हेल्पफुल रहेगा, और ऐसे हम धमाकेदार वीडियोस बनाते रहेंगे, इस टाइप के नहीं बट हमारे ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू इन द फ्यूचर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।